यूक्रेन ने रूसी बख्तरबंद वाहनों पर कब्जा कर लिया है। रूसी बख्तरबंद वाहनों पर अपने साथ ले गए हैं यूक्रेनी सैनिक, ट्रैक्टरों में बांधकर रूसी टैंकों को अपने साथ ले गए। अमिताभ जी, मेरा सवाल आपसे है, यूक्रेन को नाटो कंट्रीज भी मदद पहुंचा रहे हैं और नाटो डायरेक्ट अपने सैनिकों को इसलिए इन्वॉल्व नहीं कर रहा है क्योंकि उसे खतरा है कि कहीं ये जो युद्ध की आंच है उस तक ना पहुंच जाए। यही वजह है कि अभी तक जो है वो बैक सपोर्ट किया जा रहा है यूक्रेन को। लेकिन आपको क्या लगता है कि नाटो कंट्रीज की एक लिमिट क्या है, किस लिमिट तक वो ज़ेलेंस्की की यूक्रेन की मदद करेंगे? देखिए, नाटो कंट्रीज की लिमिट जब वॉर शुरू हुआ था तभी पता चल गया था कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे, पहली बात। और किसी भी तरह कोई भी नाटो कंट्री से यूक्रेन के पास जो साजो सामान है वो कम नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है और उनमें डिटर्मिनेशन भी है। प्रॉब्लम क्या है, और जो लोग रूस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उन सबके लिए ये ध्यान में रहे कि रूस ने अपनी पूरी वॉर मशीनरी टॉप गियर में चलाई नहीं है और ये रूसियों को बिल्कुल ये बात लगातार कही जा रही है कि पुतिन ने पूरी ताकत अभी झोंकी नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।